देश भर के ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। पूरे देश में करीब 18 करोड़ कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते बैंकिंग, सार्वजनिक परिवहन और दूरसंचार जैसी जरूरी सेवाएं प्रभावित हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का समर्थन कर रही है और यहां स्कूल कॉलेज भी बंद है। यहां सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और सड़कों पर बेहद कम बसें देखी जा रही हैं। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने रेल रोककर विरोध जताया। वहीं केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति सामान्य है। दिल्ली और मुंबई में हड़ताल का असर नहीं देखा जा रहा। आपको बता दें कि इन संगठनों की आपत्ति बीमा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश के नियमों को शिथिल करने को लेकर है। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की योजना का भी श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन सरकारी पेंशन फंड और स्टॉक मार्केट में अधिक पैसा लगाने के सरकार के दिशा निर्देशों का भी विरोध कर रहे हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कहना है कि यह हड़ताल सरकार की ओर से उनकी 12 मांगों के प्रति उदासीनता की वजह से की जा रही है। इसमें मासिक न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए और न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए करने की मांग शामिल है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को खत्म करने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार अपने कर्मचारियों का पिछले 2 साल का बोनस जारी करेगी। इसके साथ अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में इजाफे की बात भी कही गई थी। वित्त मंत्री के आश्वासन के बावजूद ट्रेड यूनियन अपनी मांगों पर अड़ी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और यूनियन के बीच जारी गतिरोध कब खत्म होगा, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।